हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी नीति हम देख रहे हैं हमारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 सीरीज और आज है इसका पार्ट 11 तो इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटी ओनली ठीक है और ये जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो करंट बेस पे होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट तो आप जानते हैं रिसेंटली आंध्र प्रदेश से यह मांग हो रही थी कि उसे आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए तो इस वजह से हमने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है देखिए इसके हमें जो स्टेटमेंट दिया गया इनमें से हमें कौन सा करेक्ट है यह बताना है देखिए फर्स्ट क्या है ओनली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स गेट स्पेशल प्लान असिस्टेंस एंड स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट ग्रांट ठीक है मतलब ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते हैं इनको ये दो बातें मिलती है कौन कौन सी स्पेशल प्लान असिस्टेंस और दूसरा है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट ग्रांट्स ठीक है ये दोनों बातें सिर्फ इन्हीं स्टेट्स को मिलती है ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट है स्टेट शेयर इन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज यूजुअली लोअर स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज कंपेयर टू अदर स्टेट मतलब एक कंसिडर कीजिए कि एक्स नाम की योजना है उसके लिए अगर बाकी आ, बाकी जो जनरल स्टेट है उनका अगर शेयर फिफ्टी फिफ्टी या फिर 60 -40 ऐसा होगा तो ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो होते स्कीम का जो रेशो होता है वो सेवेंटी फाइव ट्वेंटी ऐसा हो सकता है ऐसा ये सेकेंड स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज थर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट गेट अ सिग्निफिकेंट एक्साइज ड्यूटी कंसेशन ठीक है मतलब इस आ, ये जो स्टेट होते हैं इनको एक्साइज ड्यूटी में भी कंसेशन मिलता है ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज देर इज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू

ये बात इसके करेक्ट है आंसर है बी वन टू एंड थ्री ओनली तो देख लेते हैं इसके बारे में बेनिफिट्स क्या-क्या मिलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट को तो सबसे पहले मेजर चंग जो है ना हमारा मतलब जो सेंटर प्रोवाइड करता है हमारे फाइनल एलोकेशंस तो उसमें से जो हमारा रेगुलर जो है उसमें से 56.25% जो है ये इतना एलोकेशन मतलब ₹100 में से और बाकी जो हमारे बाकी बचे is, परसेंट जो इतने पैसे जो है ये बाकी 18 जनरल कैटेगरी स्टेट को दिए जाते हैं ओनली द स्पेशल कैटेगरी स्टेट गेट अ स्पेशल प्लान असिस्टेंस एंड सेंट्रल ग्रांड ठीक है ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते जो हमारा पहला ऑप्शन था उन्हें ये दो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ असिस्टेंस फॉर एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट ठीक है मतलब अगर कंसिडर कीजिए कि कोई वर्ल्ड बैंक द्वारा एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेंस फ्लो होता है टू दी स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज नाइन परसेंट वेर एट जनरल कैटेगरी स्टेट इनको सिर्फ लोन मिलते हैं ठीक है यहां पर नाइनटी परसेंट ग्रांट्स मिल सकते हैं इन स्टेट्स को नेक्स्ट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट गेट्स अग्निफिकेंट एक्साइज ड्यूटी कंसेशन एंड अदर सर्च टैक्स ब्रेक्स

स्टेट और स्टेट इनके बीच में भी कॉम्पिटिशन होती है और ये क्यों करना है तो हमें इंडिया को डेवलप करने के लिए ऐसा सी स्टेटमेंट है ऐसा ये कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म है ऐसा सी स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज द सेंटर एंड द स्टेट कंपीट्स इच अदर टू डेवलप फास्टर देन अदर ठीक है मतलब सेंटर और स्टेट अपने आप में कंपटीशन करते हैं सो दैट सेंटर या तो फास्ट हो सके या फिर स्टेट फास्ट हो सके ठीक है तो ये तो जो डी स्टेटमेंट है ये कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म के कंप्लीटली अगेंस्ट है मतलब ये डी जो है ये कंप्लीटली अगेंस्ट है और इसका जो बेस्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो है सी दैट इज सेंटर कंपीट्स विद स्टेट एंड वाइज ओवर मतलब सेंटर स्टेट के साथ कंपीट करते हैं और स्टेट जो है वो सेंटर के साथ कंपीट करते हैं और साथ ही साथ स्टेट जो है ये अपने आप में कंपीट करते हैं टू जॉइंट एफर्ट्स टू डेवलप इंडिया ठीक है इंडिया को डेवलप करने के लिए ये ऐसी होती है मतलब कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म में बेसिक बात क्या है कि जो कंपटीशन तो होनी चाहिए लेकिन कंपटीशन भी हेल्दी होनी चाहिए और हेल्दी कंपटीशन से हमें देश को बढ़ाना है ऐसे ही ये फेडरलिज्म तो है इसका आंसर सी देखिए ये तो हमने बता दिया देन नेक्स्ट इज द पॉलिसी ऑफ द वन साइज फिट्स ऑल इज रिप्लेस्ड विद द डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द वेरियस स्टेट बेस्ड ऑन ओन प्रायोरिटी विद द स्टेट ठीक है मतलब एक बात है होती है ना कि अगर वन 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 फिट्स 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 साइज ऑल मतलब क्या होता है कि सेंटर कोई डिसीजन लेता है और

जाती है देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन चूज दी कंसीडर दी फॉलोइंग अबाउट लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जी अनिल बैजाल जी ये जो है हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिसेंटली नियुक्त किए गए थे मतलब uh, साथ ही साथ हमारे पांडिचेरी uh, के भी आई थिंक किरण बेदी है ना तो इसकी वजह से ये टर्म जो है वो न्यूज में थी तो देख लेते हैं इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फर्स्ट ऑप्शन क्या है द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी हैज पावर सिमिलर टू दैट ऑफ गवर्नर बट रिप्रेजेंटेटिव he he दी ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होते ये, इनको सेम पावर होती है एज गवर्नर लेकिन ये जो होतेमिनिस्ट्रेटर ये जस्ट रिप्रेजेंटेटिव होते प्रेसिडेंट के ठीक है ये बात है ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज uh, ये जो आर्बिट्रेटर होते इज अस्टिट्यूशन हेड ऑफ दी ये आर्बिट्रेटर है दैट इज ले गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर uh, सॉरी ये जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट है तो देखिए ये जो है ना पहला स्टेटमेंट ये बात सही कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ये uh, इनको सेम पावर होती है एज गवर्नर और ये रिप्रेजेंटेटिव होते सिर्फ प्रेसिडेंट के ये बात सही है लेकिन ये जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होते ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होते जो हमारे प्रेसिडेंट होते यही इसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहलाए जाते बस जो हमारे प्रेसिडेंट है ये इनके माध्यम से दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से ये जो प्रोसेस जो है वो रन करते हैं तो इसका सेकंड जो है ये बात इनकरेक्ट है वन जो है यही इसका आंसर है आंसर होगा हमारा ए दैट इज वन ओनली देखिए एवरी यूटी हैज एडमिनिस्टर्ड बाई प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ठीक है मतलब अभी दिल्ली के लिए अनिल बैजाल सर है आई थिंक सो और उनका मतलब ये अपॉइंट किए गए थ्रू प्रेसिडेंट ओके और प्रेसिडेंट अनिल बैजाल सर के मतलब इनके मा... इनके थ्रू यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन आती है आप ये तो जानते दिल्ली और पोडुशरी ऐसी दो यूटी है जहां पर लेजिसलेटिव असेंबली है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ठीक है बाकी जो हमारी क्या है यूनियन टेरिटरी नहीं है और याद रखिए और सिर्फ यही दोनों पे है एड्स एंड द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक है नेक्स्ट इज आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए ए डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू डेली ठीक है दिल्ली के लिए आप जानते हैं एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली ऐसे ही ये कहा जाता है ये मतलब पूरे स्टेटहुड का दर्जा उसको प्राप्त नहीं है तो इसके बारे में दिल्ली के जो प्रोविजन है वो कहां पे कर दिए गए आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए ए में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंसीडर अबाउट जे एंड के एंड चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर के बारे में हमें अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है देखिए फर्स्ट क्या है सेंटर कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन द स्टेट ओनली इन केस ऑफ वॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन ठीक है मतलब जो सेंटर जो है हमारा यूनियन सिर्फ़ इन तीन कंडीशन पे जेके में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज और रिड्यूस द बॉर्डर्स ऑफ दिस स्टेट ठीक है मतलब आप जानते हैं कि बाकी जो हमारे स्टेट्स है उनकी बॉर्डर पार्लियामेंट कम या ज्यादा कर सकता है ठीक है ये जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट की जो पावर है ना इसके बारे में आज अच्छे से पढ़ लीजिए मतलब आ, आ, एक अच्छा मौका है इसके बारे में पढ़ लेकिन हमारी बॉर्डर्स को कम ज्यादा करना कैसे यूनियन डिसाइड करता है इसके बारे में पढ़ लीजिए तो ये स्टेटमेंट हो गया कि यहाँ पे यूनियन जो है हमारा पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर की जो बॉर्डर है उसको कम या घटा नहीं सकता ठीक है घटा या बढ़ा नहीं सकता नेक्स्ट इज इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट परचेस लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में हमारे जो जो कोई लैंड है उनको बाहर के जो स्टेट के सिटीजन है इंडिया के जो सिटीजन सॉरी इंडिया के बाहर, के बाहर के स्टेट के सिटीजन हमारे वो यहाँ पे लैंड जो है वो परचेस नहीं कर सकता ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है और हमें बताना इनमें से कौन से करेक्ट है तो ये बात तो सभी जानते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में जाके और ऐसी और कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी रीजन है जहाँ पे ये लोग बाहर के लोग यहाँ पे परचेस नहीं कर सकते लैंड तो यह बात जो है थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बात सही है साथ ही साथ सेकेंड यह बात भी सही है कि ये जो बाउंड्री को रिड्यूस करना या फिर इंक्रीज करना यह पार्लियामेंट के अंडर नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए यह सेकंड स्टेटमेंट जो है यह भी सही है यहां पे यह बात भी सही कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर करना है यह सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बारे में है लेकिन यहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस के बारे में नहीं है ठीक है तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये पार्शियली ट्रू हो गया यहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए था तो वन वन इन करेक्टेड टू एंड थ्री जो ये बात सही है तो इसका आंसर है बी दैट इज टू एंड थ्री ओनली तो देख लेते हैं हमारा जो आर्टिकल थ्री उसके बारे में और जे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सॉरी देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के लिए डिफेंस फॉरेन अफेयर्स फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन ये बातें छोड़कर बाकी जो कोई भी डिसीजन लेना होता है इसके लिए गवर्नमेंट को कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है अपने गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मतलब पार्लियामेंट को कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ देन नेक्स्ट इज स्पेशल स्टेटस जो है जेएनके का उसके बारे में देख लेते हैं लेजिसलेटिव पावर द स्टेट रेजिडेंट्स लिव अंडर द सेपरेट सेट ऑफ लॉज इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू सिटीजनशिप ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स एज कंपेयर टू अदर स्टेट ठीक है तो यह बात हो गई पहली जिसमें हमने देखा था कि प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते तो यह, यहाँ पे उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया नेक्स्ट इज टेरिटरी इंडियन पार्लियामेंट कैनोट इंक्रीज और रिड्यूस द दॉर्डर्स ऑफ द स्टेट एंड इंडियन सिटीजन फ्रॉम दी अदर स्टेट कैनोट परचेस लैंड एंड प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारा पहला ऑप्शन था द यूनियन गवर्नमेंट कैनॉट डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस और इमिनेंट डेंजर ठीक है ये ये जो हमारा बीच का जो ऑप्शन था ना दिया गया फर्स्ट uh, ऑप्शन में बीच का वो ऑप्शन इंटरनल डिस्टरबेंस इस बात पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता ये डिक्लेयर कर सकता है सेंटर जो है हमारा डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन इन बातों पर

स्केड्यूल में लैंग्वेज आने के लिए एटलीस्ट पंद्रह हजार लोगों ने वो लैंग्वेज जो है वो बोलनी चाहिए या फिर एक ट्राइबल ग्रुप ने ये ये लैंग्वेज जो जो है 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 वो बोली जानी चाहिए ऐसा सेकंड स्टेटमेंट नेक्स्ट इज सीताकांत स्केड्यूल से रिलेटेड है ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है और हमें बताना है इनमें से से कौन करेक्ट है तो ये तो आप जानते होंगे कि सबसे पहले जो है ना जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब स्केड्यूल में फोर्टीन लैंग्वेजेस थे लेकिन अभी के लिए इसमें ट्वेंटी टू लैंग्वेज है मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है अभी के लिए सही है नेक्स्ट इज ये जो सीताकांत महापात्रा ये जो कमिटी है इट इज रिलेटेड टू स्केड्यूल तो ये बात भी सीएम मतलब एक्चुअली हुआ क्या था भोजपुरी ये लैंग्वेज को हमें 8 शेड्यूल में ऐड करना है या नहीं इस पे इशू हो गया था तो इसी वजह से ये कमेटी जो थी ये बनाई गई थी इसने अपना रिपोर्ट तो जारी कर दिया था लेकिन आ, जो हमारे तब के मतलब 2012 में हमारे जो आ, मिनिस्टर थे चितंबरम सर तो इन्होंने उस समय कहा था कि भोजपुरी को अभी हम इंक्लूड नहीं मतलब करना है या नहीं देखेंगे क्यों क्योंकि अभी के लिए ऐसी कोई प्रोविजन है नहीं कि कोई लैंग्वेज को ऐड करना हो हमारे एट स्कड्यूल में तो मतलब ऐसे फिक्स सेट ऑफ लॉ कुछ रेगुलेशन नहीं है तो ये जो है मतलब सभी जो है ये हमारा इनकरेक्ट है एंड एंड जो जो ये बात सही है सो हमारा आंसर जो है वो है सी दैट इज वन एंड थ्री ओनली देख लेते इसके बारे में आप ये हमने कहा कि ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस इनिशियल में फोर्टीन लैंग्वेजेस थी सिंधी जो लैंग्वेज है वो एड कर दी गई नाइनटीन में कोंकनी नेपाली एंड मणिपुरी टू में बोडो डोंगरी मैथिली एन संथाली ऐड कर दी 2004 में ठीक है एंड देर इज नो एस्टेब्लिश सेट ऑफ क्राइटेरिया टू इंक्लूड लैंग्वेजेस इन द एसूल ठीक है नो एस्टेब्लिश सेट ऑफ क्राइटेरिया और ये जो सीता सी, सीताकांत महोपा कमेटी जो है इट इज रिलेटेड टू एज स्केड्यूल जो हमने कहा कि भोजपुरी लैंग्वेज के लिए बनाई गई थी तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट